हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशी नेटिंग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न, जो हमारा 3 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाएगा और बनाने में भी बहुत आसान है। इसे कैसे बनाना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कुछ फंदे लगा लिए हैं। आप अपने जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओ उसके हिसाब से फंदे लगा लें। आप इस प्रोजेक्ट, इस पैटर्न को आप बेबी में, जेंट स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन सब में आप यूज़ कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना ये प्यारा लगता है और बनाने में बहुत ही इजी है। आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसमें लगाए हैं 34 फंदे। आपने फंदे कैसे लगाने हैं, 5 के मल्टीपल में फंदे लगाने हैं और दो दो आपने साइड से एक्स्ट्रा लगा लेने हैं। तो मैंने 34 लगा लिए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं दो इस तरह से आपने थ्रेड पकड़ना है और दो सिलाइयाँ हमने सीधी बुन लेनी है, एक और दो। दो फंदे सीधे बनाने के बाद हमने थ्रेड आगे किया और इसे हमने उल्टा बुनना है। उल्टा कैसे बुनना है, एक और दो, समझ गए। दो बार हमने ध्यान रखना है, लपेटना है इसे। हमारा ये सिर्फ 3 रो का पैटर्न है, बहुत जल्दी बन जाता है। 2, 3, 4 और 5। तो आप देख सकते हैं 5 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर डबल में बना ली हैं, ठीक है। अब मुझे फिर से अपना थ्रेड पीछे करना है और 5 सिलाइयाँ सीधी बनानी है, 1, 2, 3, 4 और 5। 5 आपने उल्टे में बना लेनी है और 5 आपने सीधी बनानी है। उल्टी वाले हमने डबल रैप करके बनाना है और सीधी वाले हमने सिर्फ सीधे ही बनाने हैं। फिर हमारा 5 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर हमने थ्रेड आगे कर लेना है। फिर वही हमने 1, 2, 3, 4, 5, फिर धागा पीछे और फिर हमने पूरी रो में यही प्रोसेस करना है। 5 सीधे बनाने हैं और 5 हमने उल्टे करके डबल रैप करके बनाने हैं। इस तरह से हम अपनी रो पूरी कर लेंगे। फिर लास्ट हमारे 2 फंदे हैं, इन्हें हम सीधा ही बुन लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट रो। फर्स्ट रो आपने इस तरह से बना लेनी है। अब बारी आती है हमारी सेकेंड रो की। सेकेंड रो में आपने क्या करना है, ये देखिए, ये हमने इस तरह से ले लेना है और इन सारे जो हमने सीधे बुने थे इन्हें हम इस तरह से सिंपल बना लेंगे। अब हमारी डबल वाले फंदों की बारी है। इसे हमने सिर्फ इस तरह से खोलना है, 2, 3, 4 और 5, इन्हें खोल लेना है और इन्हें बनाना नहीं है। फिर हम थोड़ा थ्रेड लूज ही रखें, फिर इन 5 फंदों को हम बना लेंगे, 3, 4, 5। फिर इन्हें भी खोल लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। ध्यान रहे, इन्हें आपने सिर्फ बैक साइड में खोलना है, इन्हें भी अभी बनाना नहीं है। फिर यहाँ पर थ्रेड थोड़ा लूज ही रखें और फिर सेम तरीके से हम इन फंदों को आगे भी इसी तरह बनाते हुए जाएंगे। इन 2 फंदों को हमने सीधी बना लेना है और अब आते हैं इसकी डिज़ाइन की 3rd लाइन लास्ट रो पे, ठीक है। अब ध्यान रखिए, यही बार आपने ध्यान रखना है, ये हमारा लास्ट रो है पैटर्न का। 2 हमने फर्स्ट वाले जो सीधे बने थे वो सीधे ही बनेंगे। अब हमने इस तरह से देखिए पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 5 में इस तरह से सिलाई डाल देनी है
ठीक है, आगे से नहीं पीछे से हमने पांच निडिल में, पांचों फंदों में हमने इस तरह से निडिल डाल लेना है। अब आपने इस तरह से एक फंदा बना लेना है, एक बना लिया, इसे हमने छोड़ना नहीं है। फिर थ्रेड आगे करेंगे, फिर एक और बना लिया, तो हमारे यहाँ पे कितने बन गए, तीन फंदे, क्योंकि ये पांच फंदे हैं तो ये लेस हो जाएंगे, और यहाँ पे हमने पांच फंदे बनाने हैं, ठीक है। तीन, फिर धागा आगे करेंगे और फिर से हम एक फंदा और बुन लेंगे। जब आपने देखना है काउंट करके 1 2 3 4 5 कि आपके जो 5 फंदे लेस हो रहे हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं, तब आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत ही लग रहा है, और ये आपने सीधे हैं जो उन्हें सीधे ही बना लेने हैं, इस तरह से सीधे फंदों को सीधे ही बना लेना है। फिर वही प्रोसेस, इस तरह से सिलाई हम लगा लेंगे और एक धागा अपनी तरफ, फिर दो, फिर धागा अपनी तरफ और तीन। जैसे हम तीन बार बनाएंगे तो हमारे पांच फंदे बन जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर हमने इसे छोड़ देना है, तो आप देख सकते हैं कितना ये सुंदर बन के आ रहा है। और अब हमने बस यही दो लाइन, एक में हमने इन पे पांच बनाना है और सीधी लाइन हमने सीधे ही बुनना है। इसी तरह से हमने अपनी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेनी है, सीधे वाले हो गए, और इन्हें हम दो साइड के इन्हें भी हम सीधा ही बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा पैटर्न हमारा यहाँ पे पूरा हो जाता है 3 सिलाइयों में। इसके बाद आपने क्या करना है वो आप ध्यान से देखिए, जो ये वाला है उल्टे फंदे वो हमने यहाँ पे बनाने हैं, और यहाँ पे हमने सीधे फंदे बनाने हैं। जो ये वाले सीधे फंदे हैं वो यहाँ पे बनेंगे, और ये उल्टे फंदे अब यहाँ पे बनेंगे। देखिए तब आपका ये इस तरह से ऐसे आएगा, देखिए। अब हम आ गए हैं अपनी सीधी साइड, तो सीधी साइड हमने क्या करना है, वही प्रोसेस करनी है जो हमने फर्स्ट में किया था। अभी हमने इन फंदों को सीधा बनाना है, दो साइड के थे, 1 2 3 4 5, पांच सीधे बना लिए, धागा आगे किया, इन पांच फंदों को हम डबल रैप करके निकालेंगे, 1 2 3 4 5, फिर पांच फंदे सीधे, 3 4 5, फिर आगे धागा, 1 2 पूरी कर लेनी है। फिर सेकंड साइड आपने उसकी वही रो दोहरानी है, सीधे हैं जो उन्हें हमने सीधे बनाना है, जो डबल है इन्हें हम इस तरह से खोल देंगे। ध्यान रखना है हमें इन्हें बनाना नहीं है, टेप को लूज रखना है, भी बना लेती हूँ। तो ये हमारा सीधी साइड से कुछ इस तरह का आएगा, और अब हमने इस पैटर्न की लास्ट रो बनानी है। सीधे वाले फंदों को हमने सीधे ही बुन लेना है, इस तरह से, और इन फंदों को हमने एक साथ लेना है, और इसका हमने पांच फंदे एक ही फंदे पे बना लेने हैं, क्योंकि हमारे ये पांच फंदे लेस होंगे तो हमारे यहाँ पर पांच फंदे इंक्रीज भी होने चाहिए। ये देखिए, 1 2 3 4 5, पांच फंदे इंक्रीज होंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे, इस तरह से। और एक बार हम फिर से फंदे बनाएंगे, आगा आगे, इसी तरह से हम ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए इस तरह से हमारा ये इजीली 3 सिलाइयों में बन जाता है। बस तो आपने वही करना है, एक बार आपने यहाँ पे रखना है और दूसरी बार आपने इसके ऊपर सीधा बनाना है, सीधे पे उल्टा और उल्टे के ऊपर सीधा, बस यही लाइन दोहराते हुए हमने अपना पैटर्न कंप्लीट कर लेना है। तो हमारा ये डिज़ाइन इस तरह से बहुत ही प्यारा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।